अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम फार्मा एशिया के अंदर मौजूद हैं और डायनामिक मार्केटिंग के नौशाद वक़ार साहब हमारे साथ हैं। नौशाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो ये क्या आपकी प्रोडक्ट है, और आज बल्कि एग्जीबिशन से ही शुरू करते हैं कि एग्जीबिशन का कैसा फीडबैक अभी तक है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन तो ज़रा बारिश की वजह से थोड़ा हल्का रहा, लेकिन सेकेंड डे और आज अभी तो ये शुरू हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और अभी आपकी कंपनी किस काम के अंदर, किस प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर? हाँ, जितनी आपकी फार्मास्यूटिकल है इसकी जो स्पेशलाइज लैब्स हैं वो हम बनाते हैं, और सारा MSSS जितना ये काम है, इसका जो फर्नीचर है, इसकी और दूसरी जो चीज़ें हैं वो हम पूरी करते हैं। लेकिन मेड इन पाकिस्तान के अंदर लोगों को एक बड़ा मसला होता है कि यार पता नहीं क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं होगी, और दूसरे जब आप लैब के अंदर एक काम कर रहे होते हैं या फार्मा के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें और अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, इस बैरियर को कैसे आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम चाइना के साथ काम करते रहे हैं और वो जो क्वालिटी देते थे उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि वो सिविल वर्क इतना अच्छा नहीं होता था, जब लाने के बाद वो अक्सर जगहों पे वो लोहे का फर्नीचर है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो फंस जाता था, तो हमने यहाँ पर मॉड्यूलर सिस्टम बनाया और लोगों के फीडबैक लेके उनके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 साल हो रहे हैं और हर फार्मा में हमारा फर्नीचर चल रहा है, और किसी से भी आप फीडबैक ले सकते हैं, बल्कि बहुत से लोग तो आके ये तक पूछते हैं कि जी ये कहाँ से मंगवाया है आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कभी एक्सपोर्ट के हवाले से भी सोचा कि यार ये जो अरब कंट्रीज हैं या दीगर? जी, फ्यूचर है इरादा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसके हिसाब से आपकी पूरी पहले तैयारी हो जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मशीनरी और चाहिए हमें यहाँ काम करने के लिए, कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है, महंगाई के हिसाब से हर चीज़ को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये जो इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी है, लाजमी बात है हर बिजनेस में कुछ ना कुछ तो आपको भी इंपोर्ट करना पड़ता होगा, क्या आपकी कंपनी उस मुश्किल में आई है इंपोर्ट्स की पाबंदी की वजह से, और उसको कैसे टैकल करें? जी बिल्कुल, ऐसे ही है, क्योंकि बहुत सारी इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, अटैचमेंट्स हैं, टॉप्स हैं इसके, तो ये सारी चीज़ें लाने में बहुत मुश्किल होता है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस डॉलर की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि एक चीज़ आप बुक करते हैं आज सपोज जिस रेट पर आपके आने तक तो वो उतने डबल हो जाती है, तो आप बहुत बहुत प्रॉब्लम में, कहीं हमें ये तय करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को हम उसको वहाँ तक कर सकें, तो ये सारी चीज़ें। तो ये कोई आपके कराची चैम्बर या दीगर आपकी एसोसिएशन इस हवाले से गवर्नमेंट से नेगोशिएशन कर रही है, क्योंकि ये तो इंसानी सेहत का मसला है ना सर? ये कई बार हो चुका है और हर बार आपको पता है गवर्नमेंट तो हाँ कहती है और करती कुछ नहीं है, तो बस रिक्वेस्ट है हमारी कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, क्या कि आगे बढ़ सकें और आसानी दें तो कुछ हम कर सकें। वेरी मच, वेरी मच। Thank you.